हरियाणा में कांग्रेस नेता सरेआम युवाओं के भविष्य के साथ कर रहे खिलवाड़। हुड्डा के करीबी कांग्रेस नेता खुलेआम रच रहे जॉब घोटाले की बड़ी साजिश। हुड्डा के करीबी ने खुद खोल दी हुड्डा ग्रुप की पोल। पर्चा लेकर आना, नौकरी पक्की। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा का हरियाणा में नौकरियों को लेकर के एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके बाद से सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अभी तो कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई ही नहीं है, लेकिन इससे पहले ही किस तरीके से कांग्रेस नेता और खासकर हुड्डा ग्रुप नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। कैसे बड़ी संख्या में जॉब घोटाला किया जाए, इस बात की बड़ी साजिश रच रहे हैं। दरअसल आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि कैसे बिहार में बड़े लेवल पर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला सामने आया था, जिसमें न सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि उनके बेटे तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी तक सीबीआई के शिकंजे पर आ गए थे। अब जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर एक एक प्रत्याशी, फिर चाहे वो कुलदीप शर्मा हो, उनके बेटे चाणक्य पंडित हो या फिर अन्य नेता हो, लगातार ये दावा कर रहे हैं खुले मंच से कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बस आप अपना रोल नंबर लेकर के आना, पर्चा लेकर के आना, नौकरी वो खुद चल करके आपको देने के लिए आएंगे। और वो नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सरकारी नौकरी। अब जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशियों के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, तो इसको लेकर के कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। क्योंकि सवाल ये भी, क्योंकि सरकारी नौकरी पर एक पूरी प्रक्रिया होती है, कई सारे रूल यहां पर फॉलो किए जाते हैं। पहले जो कैंडिडेट होता है उसका एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल होता है, इंटरव्यू होता है, तमाम चीजें होती हैं, उसके बाद जाकर के उसे सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी खुले मंच से ये कह रहे हैं कि सिर्फ रोल नंबर और पर्चा लेकर के आप कांग्रेस के विधायक के पास पहुंच जाइए, सरकार बनने के बाद नौकरी आपको बैठी बिठाई मिल जाएगी। इतना ही नहीं, वोट कितने फीसदी मिलेंगे और उस गांव को कितनी फीसदी सरकारी नौकरियां मिलेंगी, ये भी कांग्रेस के विधायक खुले मंच से कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब गन्नौर के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा ने तो रिश्तेदारों को ही नौकरी दिलाने का दावा किया था। अब उनके पुत्र चाणक्य पंडित ने तो CLU गैंग की पूरी पोल ही खोल करके रख दी है। सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया और कहा कि पर्चा पर लिखकर रोल नंबर दे देना, नौकरी पक्की लग जाएगी। ये खुलेआम हरियाणा के युवाओं के भविष्य की बोलियां लगा रहे हैं। जनता अब तो ये कह रही है कि किसी भी कीमत पर ये होने नहीं देंगे और इन सभी कोटा परमिट वालों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। यानी कि हरियाणा में ना तो कांग्रेस सरकार की वापसी होने देंगे और ना ही खर्ची पर्ची का सिस्टम फिर से लागू होने देंगे, ये हरियाणा की जनता कह रही है। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी जगह जगह जा रहे हैं खुले मंच से, कहीं ना कहीं वोट के बदले वो सरकारी नौकरी का लालच जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार जनता कांग्रेस के झांसे में बिल्कुल भी फंसने वाली नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भले ही खटाखट का वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो कैसे वो सालाना लाख रुपए और हर महीने महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए खटाखट भिजवा देंगे। हालांकि ये वादा पूरा तो नहीं हो पाया, भले ही इसके बाद महिलाएं लंबी लंबी कतार लगाई हुई कांग्रेस दफ्तर के बाहर नजर आईं, लेकिन अब हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ठीक यही चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं और नौकरी का झांसा युवाओं को दे रहे हैं। सीधे सीधे ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जहां पर सोनीपत के गन्नौर से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा के वायरल वीडियो में उन्होंने गांव में सभा को संबोधित किया था। और इस वायरल वीडियो में कुलदीप शर्मा कहते हैं कि हुड्डा साहब ने कहा है 2,00,000 नौकरियां देंगे, 2,00,000 नौकरियों में तुम्हारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% नौकरी ज्यादा लगवा दूंगा, विकास करना तो मेरा
शौक है। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले असंध से कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी का भी वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि सरकार आएगी तो उसमें से असंध का हिस्सा भी होगा, सरकार आने पर जो हमारी मदद कर रहे हैं उनकी मदद हम करेंगे, रिश्तेदारों को खुश करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना घर भरेंगे और उसके लिए चुनाव जीतना जरूरी है। इसी के साथ ही फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ज्यादा छाया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आएगी तो वे 2 लाख नौकरियां देंगे, जिनमें से 2000 नौकरियों का कोटा हमें ही मिलेगा, जिस गांव से जितने ज्यादा वोटिंग होगी उस गांव को उतनी ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। यानी कि खुले तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर युवाओं के भविष्य को सरकारी नौकरी का झांसा दे रहे हैं, बदले में उनसे वोट हथियाना चाहते हैं, भले ही बाद में सरकार बनने के बाद उन युवाओं की नौकरी लगे या फिर वो नौकरी के लिए दर दर भटके, इससे कांग्रेस नेताओं को कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर कांग्रेस नेताओं को फर्क पड़ता तो वो पूरा प्रोसीजर जो होता है नौकरी का उसे फॉलो करते, ना कि खुले मंच से इस तरीके से जा करके युवाओं को नौकरी का झांसा देने की बात करते और जॉब घोटाले को लेकर के इस तरीके की बात करते हुए नजर आते। कांग्रेस नेता और हुड्डा समर्थक लगातार खुले मंच से खर्ची पर्ची वाले मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की तैयारी कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले ही कर ली है। बकायदा खुले मंच पर वो जा करके ये कह रहे हैं कि आप पर्चा दो, रोल नंबर दो और सरकारी नौकरी हम आपको ला करके देंगे। बकायदा वोट के आधार पर कितने फीसदी कौन से गांव में नौकरियां बांटी जाएगी, इसका भी पूरा जो है लेखा जोखा कांग्रेस ने तैयार कर रखा है। क्या कहेंगे वरिष्ठ पत्रकार, जो पूरा का पूरा पैमाना कांग्रेस चला रही है उसे कुछ फायदा होने वाला है इससे कांग्रेस को या फिर उल्टा नुकसान होता हुआ हरियाणा में नजर आ रहा है? देखिए हम आपको बता दें, हरियाणा के इतिहास में रहा जीजा साले बाप बेटे हमेशा लूटते रहे, पहले चौटाला के समय भी थे, अभी भी यही पोजिशन है कि बाप बेटे दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा, इनके लिए बड़ा मशहूर है कि बाप बेटा मिलकर के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और फर्जी कि मैं नौकरियां दूंगा। अभी पहले भी कांग्रेस ने किया नौकरियों के नाम पे धोखा दिया, ये भी देने जा रहे हैं। अब दूसरे बाप बेटा हैं वहां के विधायक कुलदीप शर्मा, वो लगातार सब जगह बोल रहे हैं पर्ची खर्ची सब लगेगी और आपकी नौकरी पक्की, 2 लाख रुपये 2 लाख हुड्डा जी ने कह दिया है, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, मैं नौकरी। वो तो बाप रहे, बाप से आगे निकला बेटा, उनका बेटा जो है चाणक्य पंडित, वो भी अपने सब जगह घूम रहा है, मुंह से बार बार वो पोछता रहता मुंह पोछता रहता है, बड़ी जल्दी उसके पसीने आ रहे हैं चूँकि वोट मिल नहीं रहा, लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए, चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ रोल नंबर दे दीजिएगा, मैं अपना नंबर दे के जा रहा हूँ, आप सिर्फ रोल नंबर दे दीजिएगा, नौकरी पक्की, मैं हुड्डा से डायरेक्ट बात करूँगा। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हुड्डा नौकरी देंगे। अब हुड्डा के बारे में हम आपको बता दें, हुड्डा कितने खतरनाक हैं, कितना नुकसान किया है, सुनिए, 10 साल अगला मुख्यमंत्री रहा, कहीं रोजगार नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है, सरकारी उस पर बैकलॉग लगा रहा, रोजगार नहीं दिया हुड्डा ने, और सुनिए 41,000 करोड़ रुपया सेंट्रल उनका सबका दिया गया था राज्य के लिए, बेरोजगारों सबके लिए, हुड्डा के समय हुड्डा ने 41,000 करोड़ रुपया जो राज्य में दिया वो कमीशन खोरी हुई, लोग जेल में गए, नौकरी नहीं दी हुड्डा ने, एक भी नौकरी नहीं दी, सेना आर्मी में कहीं किसान को नहीं दिया, MSP नहीं दिया। आपको बताना कुछ भी हो, जो भाजपा की गवर्नमेंट आई है खट्टर ने, कुछ भी हो, ये 41,000 करोड़ की जगह 1,43,000 करोड़ रुपया कहाँ से दिया, 1,43,000 अपने राज्य से दिया, किसके लिए, लोगों को रोजगार उसके लिए। और सुनिए रोजगार क्या हुआ, सुनिए आपको बताता हूँ रोजगार का क्या किया, अग्निवीर आई योजना सेंट्रल की, उस पे लोग लगे, हरियाणा के लोग सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, सबसे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता रहे हैं हुड्डा ने क्या किया, आर्मी या इन सब में कहीं कुछ नहीं। अब देखिए क्या है कि इन्होंने 1,43,000 को अग्निवीर में दिया, किसानों के लिए दिया, किस फसल, किसान जो नौजवान है एक एक दाना लेने के लिए कहा, और यही नहीं आप समझ लीजिए
कई हजार लोगों को कई फैक्ट्रियां चली, सबसे ज़्यादा रोजगार ये कहाँ से देंगे। जो ये कह रहे हैं कुलदीप शर्मा उनके बेटे कि आप रोल नंबर दे दीजिएगा, इसका मतलब साफ है, वो कह रहे हैं अपने लोगों को हम कर देंगे, पहले अपने घर को करेंगे, 50 में एक नौकरी देंगे। आपको बता रहे हैं कुल मिला करके धोखाधड़ी कर रहे हैं, और इनका जो सिस्टम है ये गांव में सिर्फ अपने देंगे, जो लोग वोट नहीं देंगे दूसरे उनको नहीं देंगे, योग्यता का ध्यान नहीं रखेंगे कि योग्य लोग। एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, उसका बाकायदे आवेदन होता है, और नौकरी के लिए ये वो कुल नहीं, ये डायरेक्ट अपने चमचों को अपने घर को, कितना बड़ा गैर कानूनी। ना इनकी सरकार आ रही, वहाँ की जनता साफ कह रही कि मुझे भरोसा नहीं आप पर, इससे बड़ी क्या बात। इनकी मानसिकता है जय फॉर लैंड फॉर जॉब, जिस तरह का लालू ने किया था, ये पहले से उस घोटाले की पूरी रणनीति बना रहे हैं, और ये घोटाला करने के उस पे हैं। अब पूरी इन्होंने कर ली, वैसे पर्चे बांट दिए जाएंगे, रोल नंबर दे देना जैसा इन्होंने लालू, इस तरह की आपको ये कांग्रेस की मानसिकता। ये लोगों से तन मन धन से पैसा ले रहे हैं, तिजोरियों पर कब्जा कर रहे हैं, जेब से खटाखट पैसा निकाल रहे हैं, कुल मिला के बहुत बड़ी लूट हो रही है। वैसे इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।